हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीकी एंड आईसीटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। दोस्तों, पिछली बार के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो केवल एक यूनिट से 26 नंबर के सवाल आए। जी हाँ, 26 नंबर के प्रश्न आए थे केवल एक ही यूनिट से। तो उस यूनिट को हम देखेंगे कि उस यूनिट में पढ़ना क्या है और ये भी जाने कि वो 26 नंबर के प्रश्न कौन कौन से आए थे, एक ही यूनिट से प्रश्न पूछे कैसे गए थे और वो कौन सी यूनिट है। तो हम बात कर रहे हैं अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, और इसका जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसी फर्स्ट यूनिट से आपको 26 नंबर के प्रश्न आए। तो पहले आप फर्स्ट यूनिट को समझिए कि फर्स्ट यूनिट में कंप्लीटली आपको पढ़ना क्या है, फिर मैं अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं नाम की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट का नाम ही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ओरिजिन, मीनिंग, स्कोप्स, नेचर, मतलब शैक्षिक तकनीकी की उत्पत्ति, उसका अर्थ क्या हुआ, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है। तो पहले यूनिट का ये नाम है। इसके अंदर आपको दो पॉइंट पढ़ना है, पढ़ना एक्चुअल में तीन पॉइंट है। पहला तो आपको शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं देखना है, उसकी उत्पत्ति देखना है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा जानना है। दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के तीन उपागम है, कठोर उपागम, कोमल उपागम या फिर इसको मृदुल उपागम कहते हैं, और तीसरा है प्रणाली उपागम। अगर अंग्रेजी में बात करें तो हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो इन तीन अप्रोच के बारे में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, और फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट है द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। और आपके सिलेबस में चार प्रकार दिए गए हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, तीसरा है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और चौथा है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अगर हिंदी में बात करें तो शैक्षिक तकनीक, व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो दोस्तों, ये टोटल आपके पॉइंट है फर्स्ट यूनिट के, जहां से पिछली बार 26 नंबर के 26 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। अब आइए एक बार देख लेते हैं प्रश्न पत्र। अगर आपके पास पिछले ईयर 2021 का पेपर हो तो आप मैच कर सकते हैं। तो पिछली बार पार्ट ए में आपसे तीन प्रश्न पूछे गए थे, एक एक नंबर के, तीन नंबर के। वो पहला प्रश्न आपसे, पहला ही प्रश्न इसी से पूछा गया था कि कठोर शिल्प उपागम, व्हाट इज हार्डवेयर अप्रोच, एक नंबर हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया था कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और तीसरा पूछा गया था कि आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन यानी कि अनुदेशन रूपरेखा से आप क्या समझते। तो ये तीन प्रश्न आपसे एक एक नंबर में पूछे गए थे। अगर हम पिछले साल क्वेश्चन पेपर की बात करें, अब सेक्शन बी में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था, तो आठ नंबर में आपसे पहला सवाल पूछा गया था कि शैक्षिक तकनीकी की अर्थों की विवेचना करिए और उनके उपागमों की परीक्षण कीजिए, यानी कि आपको राइट द मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एग्जामाइन द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसी से मिलता जुलता था शैक्षिक तकनीकी अर्थ और उसके उपागमों के बारे में बताना था। ये आठ नंबर में सवाल पूछा गया। तो अभी तक आप देख सकते हैं तीन नंबर का पार्ट ए में और सेक्शन बी में आपसे आठ नंबर का, यानी टोटल 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, और सेक्शन सी में एक प्रश्न आपसे 15 नंबर का इसी यूनिट से पूछा गया था। वो था, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों की व्याख्या करें। तो दोस्तों, ये आप 15 नंबर यहाँ पे, तो टोटल आप देख सकते हैं 26 नंबर का प्रश्न आपके केवल इसी यूनिट से पूछा गया था। और दोस्तों, लिटरली हर साल इससे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न तो आपको सेक्शन सी में इसी यूनिट से हर साल लगभग मिलता है, तो यह यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, अब हम इसके आंसर देखेंगे अगले वीडियो में कि इसके आंसर्स लिखते कैसे। और एक ही वीडियो में मैं पूरे यूनिट को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, एक मैराथन क्लास के साथ, कि पूरा शैक्षिक तकनीकी अर्थ, प्रकृति, विशेषता, नीड, आवश्यकता, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके अप्रोचेस, उपागम क्या होते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, इनके जो टाइप्स हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इन चारों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और वीडियो भी आज ही अपलोड होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूंगा जब तक वो वीडियो अपलोड होती है। फिलहाल दोस्तों, आप इस वीडियो से, आप खुद से इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, अपने शब्दों में इसके नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी कमेंट में अपनी राय दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और मुझे बताएं कि क्या आपने ये सारे क्वेश्चन अभी तक प्रिपेयर कर लिए। अगर नहीं तो जल्दी करिए, इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए। बाकी मेरी इसके आंसर्स की वीडियो जल्दी अपडेट
की जाएंगी। कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों तक शेयर करिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।